आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के वेरी फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा फैक्टोराइज यानी कि गुणनखंड कीजिए। तो आपका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आपको इसको फैक्टोराइज करना है, आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका बेटा यहाँ बताने वाला हूँ मैं आपको, ध्यान से पूरा लेक्चर देखना है, जो जो चीज़ें मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हमको फैक्टोराइज करना है तो हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसका नाम है, फैक्टोराइजेशन मेथड का नाम है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या नाम है? मध्य पद को तोड़ने की विधि या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिड टर्म बेटा कौन है? मध्य पद कौन है? यहाँ पर माइनस का 7x जो है, तो हम स्प्लिट करेंगे इस टर्म को, ये है मध्य पद, इसको तोड़ेंगे और इसी को तोड़ने की हमारी विधि मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहलाती है। तो इसको तोड़ने का क्या तरीका है आज हम बहुत जल्दी समझते हैं। सबसे पहले x वर्ग का गुणांक ले लेना है आपने 12, और जो नियतांक पद जिसके साथ x नहीं है वो वाला पद इसके साथ गुणा में लिखना है। आपको जो रिजल्ट मिला उसके गुणनखंड निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है बेटा? कुछ इस टाइप से, यानी कि 12 को आप ऐसा लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 1। अब आपके पास 12 को गुणनखंड के रूप में लिखने पर 4 अंक आ रहे हैं, तो इन 4 अंकों में से 2 ऐसे अंक प्रयुक्त करना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर ये 7 आ जाए और उन दोनों अंकों का गुणा करने पर वापस 12 आ जाए। मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? फिर से समझते हैं। इन 4 अंकों में से 2 अंक कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन करके कुछ इस टाइप से आपको लेने हैं जिनको या तो जोड़ने पर 7 आ जाए या फिर घटाने पर 7 आ जाए, ठीक है? और 7 क्यों? क्योंकि ये x का गुणांक है, ये मध्य पद है और इसी को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है? एक बात क्लियर हो गई। और जो दो नंबर का चयन कर रहे हैं उन दोनों का गुणा वापस 12 या 12 भी आना चाहिए। तो यहां से कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट कर रहा हूं, मेरे को 7 लेके आना, मैंने 2 × 2 = 4 ले लिया बेटा, और 3 × 3 = 3। अगर मैं 4 + 3 करता हूँ तो मुझे 7 भी मिलता है और 4 × 3 करता हूँ तो मुझे 12। तो मेरी पहली जो कंडीशंस थी कि इनको ऐड करने पर 7 आना चाहिए वो आ रहा है, और दूसरी कंडीशन कि जिन दोनों नंबरों का मैं चयन कर चुका हूँ उनका गुणा या उनका मल्टीप्लीकेशन वापस ये जो पहले मल्टीप्लीकेशन आया था वही आना चाहिए। दैट क्लियर? राइट नाउ वी आर स्प्लिटिंग मिड टर्म, ठीक है? हम मध्य पद को तोड़ते हैं। मैंने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा, माइनस एज इट इज लिखा, मिड टर्म क्या है 7x। तो बेटा मैं 7 को स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 7 को मैं क्या लिखूंगा? 4 + 3 लिखूंगा, ठीक है? बाहर x है, मैंने x एज इट इज लिखा और 1 भी एज इट इज लिखा। ये हमारा रफ मेथड था, इसको आप चाहो तो फेयर वर्क में मत नोट करना और एग्जाम में भी इसको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट स्प्लिट करना है। ये सिर्फ सिखाने के लिए मैंने आपको प्रोसेस सिखाया, बहुत आसान प्रोसेस है, आपको गारंटी से समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की, हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की। के सर किसके मल्टीप्लिकेशन की? तो बाहर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 के साथ ये हो जाएगा माइनस का 4, साथ में x आ जाएगा, प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस 3 का x प्लस का 1 आ गया, ठीक है? यानी कि जैसे ही माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है? और अगर माइनस प्लस है तो प्लस माइनस, और प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाते हैं। अब हम दो दो के युग्मों का चयन कर रहे हैं और इनमें से मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स फाइंड करूंगा, ठीक है? तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले और इन दोनों में से क्या कॉमन ले, तो कॉमन लेने का एक तरीका है हमारे पास, कॉमन हम उस संख्या या उस नंबर को लेते हैं जिससे पहले दो और अंतिम दोनों नंबर में भाग चला जाए। यदि इन दोनों नंबर में से कॉमन ले रहे हैं तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसके पार्ट में ये दोनों नंबर आते हो, यानी कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों में किससे भाग जा सकता है अधिकतम से अधिकतम, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो 12 और 4 दोनों को कम्प्लीटली पूरा पूरा डिवाइड कर दे, या फिर ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ ले रहा हूँ बेटा 4, क्योंकि 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, ऐसा तो 2 भी है लेकिन 2 से बड़ा 4 ले लिया मैंने, ठीक है? आपको बड़े से बड़ा लेना है। और यहाँ पर x और x भी है दोनों पास, x 2 टाइम x 1 टाइम है, तो x एटलीस्ट 1 टाइम कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना या भाग देना। तो 12x स्क्वायर में से 4x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? देखो 12x स्क्वायर लिखा मैंने,
उसमें से 4x कॉमन ले लिया, 4x को डिवाइड में लिख दिया, 4 से 12 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, और ये दोनों नंबर सेम है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे x की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1, यानी कि 3x बच रहा है आपके पास, ठीक है। अगला टर्म है माइनस का 4x, इसमें से आपने 4x कॉमन लिया हुआ है, x से x कैंसिल, 4 से 4 1 टाइम, माइनस का 1 बेटा यहां पर बच रहा है, ठीक है। अब बाद के जो दो पद बचे हुए हैं उनमें से किसी ऐसी संख्या का चयन करना है, ऐसी संख्या को चयनित कर लो जो इन दोनों में से कॉमन आ जाए, या दोनों संख्या उसके पहाड़े में आती हो ऐसा नंबर, या फिर उस नंबर से दोनों संख्याएं पूर्ण विभाजित हो जाए। तो बेटा 1 और 3 की बात करेंगे तो दोनों एक साथ किसी के टेबल में नहीं आती, ओनली 1 के टेबल में दोनों आएंगे, तो 1 के टेबल में 1 तो आएगा, 1 के टेबल में 3 आएगा, तो मैं यहाँ 1 कॉमन ले रहा हूँ। क्या सर प्लस का लू कि माइनस का लू, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, तो एक बात हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है वो ये है कि आपको जो प्लस का 3x और माइनस का 1 है वही पीछे वाले ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। तो यदि आप प्लस कॉमन ले लोगे तो ये तो माइनस ही बच जाएगा ना अंदर, और आपको तो प्लस का चाहिए, तो आप माइनस का 1 कॉमन लोगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो डिवाइड करने के बाद समझ आ जाएगा। देखो मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया, माइनस के 3x और प्लस 1 दोनों में से, तो पहले मैं से माइनस के 3x की बात कर रहा हूँ, उसमें से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कटा, 3x के डिवाइड में 1 है, तब भी क्या बचेगा बेटा 3x, पीछे है प्लस का 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 आपने कॉमन लिया है, तो नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता, उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 1 से 1 वापस 1 ही होगा, तो ये एज इट इज नंबर मिल गया, ठीक है। अब इसको ही कॉमन ले लेता हूँ मैं 3x माइनस 1 को, तो इसमें डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल होके बचेगा 4x, और इधर कैंसिल होके बचेगा माइनस x, तो बेटा ये दो फैक्टर मिल गए 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ठीक है। दो फैक्टर क्या क्या मिल गए, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। प्रश्न नंबर 2 में हमको जो मिड टर्म स्प्लिट करना है वो भी मिड टर्म यहाँ पर 7 है, तो 7x मिड टर्म को स्प्लिट करना है, वही मेथड जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया। x वर्ग का गुणांक ले लो 2, और जो नियतांक पद है वो ले लो, गुणा करो 6 को फैक्टोराइज करके आप लिख सकते हो 2 × 3 × 1, अरे 6 को गुणनखंड करके क्या लिख सकते हो 2 × 3 × 1, 2 × 3 = 6, 6 + 6 लिख सकते हो। अब इन 3 अंकों में से 2 ऐसे अंकों का चयन करो जिनका जोड़ या घटाव 7 के बराबर आ जाए, और वो 2 अंक जो आपने चयन किए हैं वापस उनका गुणा करने पर ये 6 आ जाए, ठीक है। एक बार फिर से समझो, इन 3 अंकों में से कॉम्बिनेशन गुणा करके आपको 2 अंकों का चयन करना, और ऐसे 2 अंकों का चयन करो जिनका योग 7 हो, ये एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये होती है कि जो 2 अंक आप चयन कर चुके हो उनका गुणा वापस इसके मल्टीप्लीकेशन 6 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 2, 3, 6 और 1, मैंने 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन किया और 1 ले लिया यहाँ से, 6 और 1 को बेटा मैं यहाँ से यदि ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को 7 मिल रहा है, ठीक है। और 6 और 1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो 6 × 1 = 6 भी एज इट इज आ रहा है, तो 2x² + 7 को स्प्लिट करके मैं लिख रहा हूँ 6 + 1, बाहर x + 3, ठीक है बेटा। 2x² + 6 के बाद मल्टीप्लीकेशन होगा x का, 6x 1 के साथ होगा तो 1x + 3, आपके पास यहाँ पर 3 टर्म थे, अब आ गए 4 टर्म, आप 2-2 के पेयर बना के उनमें से कॉमन लोगे, ठीक है। आपने 2-2 के युग्म बना लिए, अब एक प्रॉब्लम है आपके सामने, कॉमन लेना यानी कि गुणनखंड लेना, तो किसे कॉमन ले, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो बेटा ऐसा अंक आपको चयन करना है जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हो, तो मेरे हिसाब से हम 2 का चयन करते हैं, मैंने यहां से 2 का चयन किया, ठीक है। 2 का पहाड़ा इसमें भी चले जाएगा, इसमें भी, यानी कि 2 के पहाड़े में ये भी आ जाएगा और ये भी, और 2 से भाग 2 में भी चले जाएगा और 6 में भी, उसके साथ 1 से 2 बार है, 1 से 1, 1 से 1 टाइम या 1 बार है, तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। अब 2x वर्ग में से 2x कॉमन ले रहे हैं, 2 से 2 कटेगा, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 2 माइनस 1 मतलब x की घात 1, तो यहां पर बचेगा x, प्लस का 6x है बेटा, प्लस के 6x में से आपने 2x कॉमन लिया, x से x कट गया, 2 से 6 कट जाएगा, प्लस के 3 बार, ठीक है। अब आपके पास बची हुई 2 जो संख्या है उसमें से कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में क्या है,
दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? तो एक और तीन दोनों सिर्फ एक के पहाड़े में आ सकते हैं, इसलिए मैं प्लस का एक कॉमन ले रहा हूं। तो जैसे मैंने 1x में से 1 कॉमन लिया तो 1 से 1 कैंसिल होने के बाद बचा यहां पर x, और 3 से भी हमने 1 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा प्लस का 3। x plus 3 दोनों ब्रैकेट प्लस के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड है, मैं x plus 3 को कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे, आप x plus 3 को जैसे ही कॉमन लेते हो तो पहला पद आपके पास है 2x, x plus 3 उसमें से आपने कॉमन ले लिया x plus 3 से x plus 3 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 2x। अगर आप इधर की बात करोगे आपके पास प्लस 1 x plus 3 है, उसमें से आपने कॉमन ले लिया x plus 3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा प्लस का 1, तो आपने लिख लिया प्लस का 1। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास दो गुणनखंड आ गए, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। तो इस प्रकार हमारा 2.4 के चौथे का दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न 3 को बेटा सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का। तो उसमें भी आपको मध्य पद 5 को तोड़ना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6x वर्ग प्लस 5x माइनस 6 ये हमारा प्रश्न है, इसका मध्य पद है 5x, आपको फैक्टोराइज करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद को तोड़ने की विधि से न चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो प्रोसेस बताता हूं मैं, x वर्ग का गुणांक 6 ले लिया, कांस्टेंट टर्म ले लिया, मल्टीप्लिकेशन किया, 36 को फैक्टोराइज कर दो। ठीक है बेटा, आपने इसको फैक्टोराइज कर दिया, फैक्टोराइज करना तो आता होगा आपको, 36 को हमेशा लिख सकते हैं यहां पर। अब ये जो 5 अंक है इनमें से 2 अंकों का चयन करना है, 5 अंक में से 2 ऐसे अंकों का चयन करना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर मध्य पद 5 आ जाए, और जो 2 अंक चयनित हो जाए उनका गुणा करने पर वापस 36 भी आना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। तो पहली शर्त क्या है कि इन 5 में से 2 अंक बनाओ, 2 ऐसे अंक बनाओ जिनको जोड़ने पर 5 आना चाहिए या फिर घटाने पर 5 आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 9 बन जा 9 और 4। अब 9 में से बेटा मैं अगर 4 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा, और 9 4 जा भी 36 आएगा, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वापस 9 4 जा 36 मिल रहा है और 9 में से 4 5 भी मिल रहा है। तो मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिड टर्म का ये साइन एज इट इज, 5 को हम लिखेंगे 9 माइनस 4, बाहर x है तो हमने x लिखा, माइनस का 6 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करें यदि इन दोनों में से मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 9 का मल्टीप्लीकेशन x से हो जाएगा 9x माइनस 4 से x का होगा माइनस 4x और ये माइनस का 6। यहाँ पर आपके पास 2-2 के पेयर बन गए हैं, और 2-2 के पेयर बनने के बाद आपको उनमें से कुछ कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन लेना है ये पहले भी बता चुका हूँ बेटा मैं। ठीक है, क्या कॉमन लेना है आपको, इन दोनों में से ऐसे अंकों का चयन करना है, इन दोनों के लिए ऐसे अंकों का चयन करना है कि ये दोनों उसकी टेबल में आ जाए। तो बेटा यदि मैं 2 का चयन करूं, आपको इन दोनों अंकों में से यहां पर ऐसा अंक कॉमन लेना है जिसकी टेबल में दोनों आ जाए और वो मैक्सिमम नंबर हो। तो बेटा मैं यहां से 3 को कॉमन ले रहा हूं, उसके साथ x भी मैं कॉमन ले रहा हूं, 6x स्क्वायर में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, 3 से 6 2 टाइम, x से 2 टाइम 1 टाइम कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1 टाइम x और बचा 2x, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x। दैट लिया, अगला जो आपका टर्म है 9x, उसमें से बेटा आप क्या कॉमन ले रहे हो, 3x कॉमन ले रहे हो, x से x कैंसिल करा दो, 3 से 9 3 टाइम, तो प्लस का 3 आ जाएगा। दैट लिया, अब पीछे दोनों माइनस के टर्म है, हमको चाहिए दोनों पॉजिटिव टर्म, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 के भी आता है लेकिन ये 4 3 की टेबल में नहीं आते हैं। हमने माइनस का 2 कॉमन लिया, किस में से, माइनस 4x में से माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 और x बच रहा मैंने लिख दिया। माइनस 6 में से बेटा आपने कॉमन लिया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 जा मतलब 3 टाइम। इज दैट क्लियर आर नॉट? 2x plus 3 कॉमन आ रहा है बेटा, तो 2x plus 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा माइनस का 2। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को फैक्टोराइज कर दिया। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की।
तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसमें उसको भी हमें फैक्टराइज करना है और मिड टर्म स्प्लिट करना है। इसका मिड टर्म है यहाँ पर माइनस का एक्स और एक्स का कोफिशियंट है वन। आपको क्या करना है, थ्री और फोर का मल्टीप्लीकेशन करना है, ट्वेल्व आ जाएगा। किसका किसका मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट थ्री और कॉन्स्टेंट टर्म माइनस फोर का। अब आपके पास आ रहा है ट्वेल्व, ट्वेल्व को फैक्टराइज करोगे थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू वन, ये फोर डिजिट में से बेटा टू ऐसे डिजिट आपको सेलेक्ट करना है, चयनित करना है, जिन्हें जोड़ने घटाने पर एक आ जाए, एक्स का गुणांक आ जाए, ठीक है। आपको चार अंकों में से ऐसे दो अंकों का चयन करना है जिनको जोड़ने घटाने पर एक आ जाए, ठीक है। यदि आप 12 को फैक्टराइज करोगे तो आप ऐसा लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 टू जा 4, 3 जा 12, 1 जा 12, तो चार अंक मिले, चार में से दो अंक ले लो, तो मैं यहां से ले रहा हूं 2 टू जा 4 और 3 1 जा 3। अब 4 और 3 में मैं 4 और 3 को ले रहा हूं क्योंकि बेटा 4 माइनस 3 हो जाएगा और पहली कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन यदि मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 12 अभी आ रहा है, 4 3 जा, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। 3x square minus as it is, इस 1 को रिप्लेस करूंगा बेटा 4 माइनस 3 से। क्या सर 4 मल्टीप्लीकेशन 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 4 3 जा 12 होगा, तो कोई 12 को थोड़ी रिप्लेस किया, हमने 1 को रिप्लेस किया है। 1 कैसे मिलेगा, 4 में से 3 को माइनस करने पर, बाकी सारी जो नंबर्स है एज इट इज लिखेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस के साथ, माइनस का 4 इसके साथ बाहर x आएगा, ये वाला x एज इट इज, तो ये हो जाएगा x। माइनस माइनस बेटा यहाँ पर प्लस होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, इसके साथ आएगा x, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। इसको थोड़ा रब करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, क्लियर है। माइनस 4 साथ में x, माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस का 4, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। अब इन दोनों में किसका डिवाइड हो रहा है, तो किसी का डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ x कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 और 4 दोनों अलग अलग नंबर, एक इवन एक ओड है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, तो मैंने सिर्फ ओनली x कॉमन लिया, तो 3x स्क्वायर में से मैंने x कॉमन लिया, बच जाएगा यहाँ पर 3x। माइनस के 4x में से बेटा मैंने x कॉमन लिया, x कट जाएगा, बचेगा माइनस का 4। प्लस का 1 कॉमन ले लो इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों में भी किसका डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ 1 के सिवाय, ठीक है। तो प्लस के 3x में से 1 कॉमन जाएगा, प्लस का 3x बचेगा, और माइनस के 4 में से 1 तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 4, ठीक है बेटा। अब दोनों देखो, प्लस के अगर लेफ्ट साइड देखोगे तो ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा, प्लस के राइट साइड भी ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लिया आपने 3x माइनस 4, तो इधर क्या बचा x, तो और इधर क्या बचा प्लस का 1, तो ये दोनों फैक्टर आपके पास आ गए 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। आपने फैक्टोराइज कर दिया, किसको फैक्टोराइज किया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 को। तो बेटा हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, उसके फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर हो गया। यदि आपको ये वीडियो समझ आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल डीबीके मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।